आपसे है हमें मिलना चाहिए कार्यवाही भी है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर अरवल जिले से है, जहां अहले सुबह स्कूल जा रही चार छोटी छोटी बच्चियां और एक बुजुर्ग ट्रक के चपेट में आ गए हैं, जिसमें दो बच्चियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अरवल जिले में लगातार सड़क दुर्घटना एक नासूर बनी हुई है। लगातार सड़क दुर्घटना से लोगों में भय व्याप्त है कि आखिर सड़क पर निकले तो कैसे, क्योंकि सड़क पर निकलने के बाद तेज रफ्तार कार का शिकार आए दिन लोगों को होना पड़ रहा है। ताज़ा मामला अरवल जिले के महेंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मड़ैला गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 की है, जहां अहले सुबह अपने परिजनों के साथ स्कूल जा रही छोटी छोटी चार बच्चियां समेत एक बुजुर्ग कुल मिलाकर पांच लोग तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आ गए, जिसमें एक बच्ची की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं एक की अरवल सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बाकी दो बच्ची समेत एक बुजुर्ग को किसी निजी क्लिनिक में परिजनों के द्वारा इलाज कराया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मड़ैला गांव निवासी रंजन यादव के दो पुत्री 8 वर्षीय शिवानी कुमारी और 10 वर्षीय कृति कुमारी और मोहित यादव के 9 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी और राम किशोर पासवान के 8 वर्षीय पुत्री खुशी कुमारी, इन चारों छोटी छोटी बच्चियों को गांव के समीप ही किसी निजी विद्यालय में पढ़ने के लिए 60 वर्षीय रामाश्रय पासवान पहुँचाने जा रहे थे, तभी पीछे से ट्रक ने सभी को रौंद दिया, जिसमें शिवानी कुमारी की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं काजल कुमारी की अरवल सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक को पकड़ लिया, लेकिन ट्रक ड्राइवर भागने में सफल रहा, जिसके बाद घटनास्थल पर सैकड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी और गुस्साए ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 मड़ैला गाँव के समीप पूरी तरह से अगजनी कर जाम कर दिया। सूचना पाकर महेंदिया थाने की पुलिस कलेर परासी और अरवल रामपुर चौरम थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जाँच उपरांत परिजनों समझा बुझाकर जाम को छुड़वाने का घंटों देर तक प्रयास करती रही, लेकिन परिजनों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और घटनास्थल पर आसपास के दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अभिषेक रंजन, अरवल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं अरवल SP मोहम्मद कासिम के द्वारा भी अरवल सदर अस्पताल में पहुंचकर मृतक के परिजनों से मिलकर समझा बुझाकर मामले की शांत करने का अपील किया गया और दोनों शव को पोस्टमार्टम कराए जाने की बात कही गई, लेकिन घंटों देर तक परिजनों को समझा बुझाने के बाद सड़क जाम को हटाया गया। लगातार हो रही सड़क दुर्घटना से अरवल के लोगों के मनों में तरह तरह के सवाल अब उठने लगे हैं कि आखिर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार यह कही जाती है कि सड़क दुर्घटना नियंत्रण करने को लेकर पहल की जा रही है, लेकिन धरातल पर किसी प्रकार से कोई भी कार्य सड़क दुर्घटना रोकने के लिए नहीं की गई, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि लगातार जिले में चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 139 हो या 110, सड़क दुर्घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 15 दिन पूर्व ही 5 लोग की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक NH 139 पर ही मौत हो गई थी, जिसमें 2 लोगों को पहचान किए जाने के उपरांत 100 को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया था, लेकिन 3 लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। लगभग 1 हफ्ता 100 को पहचान के लिए रखे जाने के उपरांत ही पहचान न होने पर दाह संस्कार जिला प्रशासन के पहल पर कर दी गई। वहीं 2 दिन पूर्व भी अलग अलग सड़क दुर्घटना में एक ही दिन में 2 नाबालिग बच्चियों की मौत हुई थी घटनास्थल पर ही और लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर कहीं ना कहीं गलत ड्राइविंग और अरवल की सड़कें चौड़ी न होने की वजह से सड़क दुर्घटना में लोगों की जान चली जा रही है और सैकड़ों लोग अपाहिज हुए हैं। फिलहाल पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए अरवल सदर अस्पताल लाया गया है, लेकिन 2 छोटी छोटी बच्चियों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत के बाद पूरे जिले में मातम पसर गया, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुनिए अरवल SP मोहम्मद कासिम के द्वारा क्या कुछ बताया गया और मृतक के परिजनों के द्वारा क्या कुछ बताया गया। मड़ैला पर 4 लड़कियां जा रही थी पढ़ने, जब आते समय पीछे साइड औरंगाबाद जाने वाली ट्रक पीछे से एक्सीडेंट कर गई है। कितने लोग घायल हुए? घायल में एक्सपायर्ड डेट 2 हुआ है और घायल 2 है, एक बुजुर्ग है। 3 लोग घायल हैं? 3 घायल हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। सुबह सुबह 4 बच्ची को, एक उनके रामाश्रय जी जो 60 वर्ष के उम्र के हैं, 4 बच्ची को प्राइवेट स्कूल में लेके जा रहे थे मेहदिया की तरफ। ठीक मेहदिया की तरफ दूसरी गाड़ी पीछे से जा रही थी ट्रक, जिसने इन लोग को डैश कर दिया और डैश करने में 2 बच्चे की मृत्यु हो गई है और 2 घायल हैं और खुद रामाश्रय जी घायल हैं।